9 दिन से जिंदगी और मौत से जूझ रहे दुल्हन तनिष्का के इलाज के लिए एनआरआई ने भी मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए हैं। यूएसए और ऑस्ट्रेलिया तक से लोग परिवार वालों के पास पैसे भेज रहे हैं। परिवार वालों के अनुसार गुरुग्राम के निजी अस्पताल में डॉक्टर 2 दिन में ऑपरेशन करके तनिष्का की गोलियां निकाल सकते हैं। उसकी ताई निर्मला ने फोन पर बताया कि उनकी बेटी की हालत में थोड़ा सुधार है। वहीं सेक्टर 2 में स्थित भगवान परशुराम आश्रम में समाज के लोगों की आपात बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता रणबीर भारद्वाज ने की। गणमान्य लोगों ने तनिष्का की आर्थिक सहायता के लिए 25,000 रुपए इकट्ठा किए। बैठक में रामभल शर्मा, विजेंद्र शर्मा, सतीश वशिष्ठ उप प्रधान, जय भगवान शर्मा, कृष्ण शर्मा, हितेश कौशिक, जय किशन शर्मा, सत्यनारायण कौशिक, ऋषि प्रकाश, रविन्द्र भारद्वाज, अमित शर्मा, ओम प्रकाश जेई, मास्टर हरि किशन, राजेंद्र अजायब, सतबीर टिटौली और पवन शर्मा भी मौजूद रहे। वहीं रणबीर भारद्वाज ने बताया कि विदेशों में रह रहे लोगों ने मदद को हाथ आगे बढ़ाए हैं। अमेरिका से डॉक्टर सुनील झाकड़ ने 15,000 रुपए, डॉक्टर वेद प्रकाश चौधरी ने 11,000, डॉक्टर सुनील कुमार टोंडवाल ने 6,000 रुपए, ऑस्ट्रेलिया से डॉक्टर अनिल सांगवान ने 10,000 रुपए परिवार वालों के खातों में भेजे हैं। इसके अलावा पलवल से तहसीलदार रोहताश, नोएडा के इंजीनियर सुरेश कुमार, अमित वत्स और दिल्ली से सत्यभूषण अग्रवाल ने 5,100 रुपए भेजे हैं, जबकि दिल्ली से नीलम झाकड़ ने 5,000 और अर्चना कोचर ने 3,100 रुपए का सहयोग दिया है। इसके अलावा काफी सदस्यों ने 1,100 रुपए की भी मदद की है। सत्यनारायण कौशिक और मास्टर ईश्वर भारद्वाज ने सरकार से मांग की है कि निर्भया कांड की तरह सरकार तनिष्का के इलाज का पूरा खर्चा उठाए।